सर अगर एक्टिंग इंस्टीट्यूट की बात करें तो एक्टिंग के बाद लोग सोचते हैं कि काम कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, तो सर अगर उस बारे में कुछ बताएं कि ये जो एक्टिंग इंस्टीट्यूट के साथ जो आपका कोलैबोरेशन है, अगर उसके बारे में कुछ रोशनी डाल पाए। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। ये हर स्ट्रगलर जो मेरी क्लास से भी निकलेगा, सुभाष गही जी की क्लास से भी निकलता है, वो कितना चार्ज करते हैं, हम कितना चार्ज करते हैं, सब फर्क होने के बाद में कोई एक्टिंग इंस्टीट्यूट कभी भी एक्टर को ये नहीं बोलती कि तेरे को मैं अपनी फिल्म में लूँगा। सुभाष जी ने भी किसी को अपनी फिल्म में लिया ऐसा दावा नहीं लिखा जाता। हम आपको ट्रेन करते हैं, हम आपकी बॉडी को ट्रेन करते हैं, हम आपको सिखाते हैं कैमरा कैसे फेस करना है, आप अपने आप को पहचानिए और काम कीजिए। उसके बाद में हम आपको एड्रेसेस देंगे जहाँ पर ऑडिशंस होते हैं, हम मदद करेंगे। जैसे मैं ओपनली बोलता हूँ, जिस दिन मैं शक्तिमान बनाऊँगा ये सब लोग मेरे शक्तिमान में रहेंगे, ये मैं बोल सकता हूँ। उससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता कि मैं किसी को फ़ोन करूँ मेरी क्लास का है इसको ले लो। नहीं साहब, कोई किसी का माई बाप नहीं इस इंडस्ट्री में। उसके बाद फ़र्क इतना है कि आपको हम बताएंगे ऑडिशन कहाँ होती। नाउ यू ट्राई, यू आर विद अ सर्टिफिकेट एंड विद योर बॉडी विच इज़ एनहांस्ड नाउ, उसको जाके आप, और ऑडिशन पर डिपेंड करता है, पहचान से बहुत कम, आप समझ के चलिए किसी के बोलने पर कोई नहीं लेता। जिसको लेना होता है वो उसको अगर ज़रूरत है तो वो उसको ज़मीन से उखाड़े गए थे, वो लड़का आया था वो, उसके बाल से टेढ़े मेढ़े बाल थे, वो उसने वो पहना था, कार्ड फेंक दिया उसने, लेकिन बाद में लगा वो रोल के लिए चाहिए, तो सारा वो उसको ज़मीन आसमान से उखाएगा, उसको बुलाएगा, लेकर आएगा बस। सो इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन योर डेस्टिनी प्लस योर वर्क। यस, और आप लोगों से जानना चाहूँगा कि मुकेश सर का नाम जुड़ा है इंस्टीट्यूट के साथ, कितनी बड़ी बात है, और क्या कुछ नया स्टूडेंट्स को मिलने वाला है अगर एक्टिंग की बात करें, या फिर जो भी इंग्रेडिएंट्स आप उनको देने वाले हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो भी फैकल्टी है वो अच्छी फैकल्टी है, NST FTI से है, और सर के छत्र छाया में सारी चीज़ें चल रही है, तो इसके लिए हम लोग शुक्रगुजार हैं कि सर सारी चीज़ें हमको गाइड करते हैं, उसके बिहार पर हम इस चीज़ को आगे रन करते हैं। राहुल भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे इस इंस्टीट्यूट के बारे में, और मुकेश सर का नाम जुड़ा है, ये कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है आप लोगों पर भी? सबसे पहला सवाल सर का यही था कि मेरा नाम का रिस्पेक्ट रखना, सबसे पहला सवाल यही था सर का, और उस चीज़ पे हम लोग अभी तक खड़े उतरे हैं, और कोशिश रहती है कि सर का नाम जिस तरीके से हम लोगों के साथ जुड़ा है तो उस चीज़ को हम लोग आगे कंटिन्यू करें। और जितने स्टूडेंट आते हैं, कमिटमेंट सर ने सही कहा कि कोई किसी को कोई कमिटमेंट लिख के नहीं दे सकता कि वो स्टार बन जाएगा या हम तुम्हें काम दे देंगे या आपको काम दे देंगे। हम लोग कोशिश रहती है, जहाँ तक हम लोग कुछ प्रोजेक्ट्स भी आते रहते हैं, शॉर्ट फिल्म से बनाते हैं, क्योंकि कोई भी कहीं भी काम करने जाता है तो सबसे पहला सवाल जो पूछते हैं, आपने किया क्या है, तो वो सवाल का जवाब हम लोग स्टूडेंट को दे देते हैं कि कहीं पे ये सवाल का जवाब वो आसानी से दे सके कि हमने ये किया है, वो बेस बना के हम लोग दे देते हैं उसे। तो ये कोशिश हम लोगों की हमेशा रहती है। जो बात इन्होंने कही ना कि मुकेश ने कहा कि भाई हमारे नाम का लाज रखना, मेरी लाज रखो बिहारी, ये बात मैंने सोने वाले को भी कही है कि शक्तिमान की इमेज नहीं बिगाड़नी चाहिए, शक्तिमान से डिस्को ड्रामा नहीं बनाना चाहिए, ये मेरा लिखवाया है। सर, आपने कुछ टिप्स दिए, कुछ ज्ञान बांटा भी स्टूडेंट के सामने कि एक्टिंग के क्या क्या बताया आपने अभी? जी, मैं इस पूरे एक्टिंग कोर्स में, देखिए मैं टीचर नहीं हूँ, नॉलेज है मेरे को, मेरे एक्सपीरियंस इवन FTI है, लेकिन मैंने इनको पहले ही कहा था कि मैं एक दिन आऊँगा, एक या दो दिन आऊँगा ज़्यादा से ज़्यादा आपके 3 महीने के कोर्स में, और मैं स्पीच के ऊपर, वॉइस के ऊपर, वॉइसिंग के ऊपर, डायलॉग्स के ऊपर मैं अपनी तरफ से टिप्स दूंगा। तो आज मैंने इन लोगों को आवाज़ क्या होती है और आवाज़ का कितना कंट्रीब्यूशन है, आपकी आवाज़ कैसी अच्छी कर सकते हैं, आप क्या करना चाहिए, उसके ऊपर मैंने आज लेक्चर दिया।